Hey my friends, I hope you're enjoying this new year. मेरे दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ आप नए वर्ष का आनंद ले रहे हैं. And to make us more glad today, God promises us a special blessing. हमें और भी आनंदित करने के लिए परमेश्वर हमें एक विशेष आशीष की प्रतिज्ञा देते हैं. As per Nehemiah 8:10, today's promise says, "For the joy of the Lord." Is your strength. और नहेमिया 8:10 के अनुसार यहोवा का वचन कहता है, यहोवा का आनंद तुम्हारा बल है. How is the joy of the Lord going to be our strength? कैसे परमेश्वर यहोवा का आनंद हमारे लिए बल बनने वाला है? When you see India losing wickets in cricket one by one. जब आप देखते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम अपने विकेट एक के बाद एक खोते जा रही है. And they're falling behind in the run rate. और रन रेट में भी वो पीछे चलते जा रहे हैं. Our hearts start to sink and lose hope. हमारा दिल बैठने लगता है, हम आशा खोने लगते हैं. We think we're not going to win. और हमें लगता है, हम सोचते हैं हम जीतने वाले नहीं. But there a name will flash as the next batsman coming. और एक अगला नाम दिखाई देता है जो अगला बैट्समैन होगा. It'll be महेंद्र सिंह धोनी. और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का. Oh, when he comes, our hearts start to feel hope again. और जब वो आता है, हमारे हृदय में फिर से एक बार बड़ी आशा जगने लगती है. And we know that Dhoni will come and save us. हम जानते हैं धोनी आकर के हमें बचा लेंगे. That's what is written in the Bible in Romans 15:13. और यही तो रोमियो 15:13 में बाइबल में लिखा है. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him. So, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती चली जाए. Yes, when God fills you with a joy through His Holy Spirit. हाँ, जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको अपने आनंद से भरता है. We start to trust in Him. हम उस पर विश्वास करना शुरू करते हैं. A new hope arises. एक नई आशा का संचार होता है. A new strength. एक नया बल आता है. This is exactly what was seen in the story of Stephen. और स्तिफनुस की कहानी में यही तो देखा गया था. He was a disciple of Jesus. वो यीशु मसीह का एक अनुयायी था. But people started hating him because he followed the Lord and started throwing stones at him. और चूंकि वो प्रभु के पीछे चल रहा था, लोग उससे घृणा करने लगे और वे उसे पत्थरवाह करने लगे. But at that moment the heavens opened for Stephen. लेकिन उसी घड़ी स्तिफनुस के लिए स्वर्ग खुल गया. And his eyes could see the throne of God and Jesus beside him. और उसकी आंखें परमेश्वर के सिंहासन को और उसके बगल में यीशु को देख सकी. And he was so filled with the joy of heaven. और वो स्वर्ग के बड़े आनंद के साथ भर गया. That he forgot all of his worries and the fear of death before him. वो अपनी सारी चिंता भूल गया और उसके आगे मृत्यु का भय जाता रहा. Even as they were throwing stones at him, Stephen said, "Lord, please forgive them." जो भी वे उसको पत्थरवाह कर रहे थे, लेकिन स्तिफनुस कहता है, हे प्रभु, आप इन्हें क्षमा करें. That's how strong the joy of the Lord makes us. परमेश्वर का आनंद हमें ऐसा मजबूत बनाता है. So today we also are going to say, Lord, help me see you. इसलिए आज हम भी कहेंगे, प्रभु, आप सहायता करें कि मैं आपको देखूं. I need this joy to fill me. मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि आनंद मुझे भर दे. So that I can experience Jesus. कि मैं यीशु को अनुभव करने पाऊं. You will become strong and forget about your trouble. आप मजबूत हो जाएंगे और अपनी समस्याओं के बारे भूल जाएंगे. Even now, will you ask with me? क्या भी आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे? Lord, fill us. प्रभु हमें भर दें. Fill us, Lord. प्रभु हमें भर दें. We are waiting for your joy. हम आपके आनंद के इंतजार में हैं. We don't want this fear of death. हम इस मृत्यु के भय को नहीं चाहते. We don't want our heart to sink, Lord. हम नहीं चाहते हमारा हृदय बैठा जाए. We don't want to sink in worries. हम चिंताओं में डूबना नहीं चाहते हैं. Lord, we want to forget about all those cares. हम उन सारी चिंताओं को भूल जाना चाहते हैं. And we want to be filled with your joy. और आपके आनंद से भरना चाहते हैं. Fill your children with your joy this morning. आज की सुबह अपने बच्चों को अपने आनंद से भर दें. And let their eyes see Jesus and feel the hope in Christ. और उनकी आंखें यीशु को देख करके वो मसीह में आशा को पाए. That you will take care of everything. कि आप सारी चीजों को संभाल लेंगे. Come into us, miracle worker. ओ चमत्कार करने वाले, हम में आइए. Come into us,
blessed savior. ओ धन्य उद्धारकर्ता हमारे अंदर आए. We praise you, Lord. हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु. Thank you for rescuing your children out of their troubles. आपका धन्यवाद अपने बच्चों को उनकी समस्याओं से बाहर निकालने के लिए. How wonderful is your joy. आपका आनंद कैसा अद्भुत है. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. आमीन. The joy of the Lord has elevated you, my friends. परमेश्वर के आनंद ने आपको उन्नत किया है, ऊपर उठाया मेरे प्रिय मित्रों. It's made you strong. और इसने आपको बलवंत किया है. As the Lord has taken over your life. जब परमेश्वर ने आपके जीवन पर अपना अधिकार लिया है. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे.